एक बार एक कैमल और गोट में इस बात पर बहस हो गई कि बड़ा होना ज़्यादा अच्छा है या छोटा होना। कैमल प्राउडली बोलता है कि बड़ा होना ज़्यादा अच्छा है और मैं तुम्हें ये प्रूव भी करूँगा, और अगर ना कर सका तो मैं अपना हम छोड़ दूँगा। और बकरी भी रिप्लाई करती है कि छोटा होना ज़्यादा अच्छा है, मैं भी तुम्हें प्रूव करूँगी, नहीं तो मैं बोलना ही छोड़ दूँगी। वो आगे चलते हैं और एक गार्डन में पहुँचते हैं। वो गार्डन एक कम ऊँची दीवार से घिरा होता है। कैमल की गर्दन लंबी होने की वजह से वो दीवार के पास खड़े होकर आराम से पेड़ पौधों को खा लेता है। छोटी होने की वजह से बकरी प्लांट्स को नहीं खा पाती है। तब कैमल गोट से बोलता है, अब बताओ क्या अच्छा है, बड़ा होना या छोटा होना? बकरी कुछ नहीं बोलती है। नेक्स्ट टाइम वो जिस गार्डन में जाते हैं उसकी दीवार बहुत ज़्यादा ऊँची होती है। जब वो गार्डन के चारों ओर घूमते हैं तो बकरी को एक बैम्बू स्टिक लगी हुई जगह दिखती है, पर बैम्बू स्टिक बहुत मजबूती से लगी होती है जिस वजह से कैमल अपना रास्ता नहीं बना पाता है और ना ही कुछ खा पाता है। पर दूसरी तरफ गोट को नीचे की साइड एक छोटी सी जगह मिल जाती है और वो गार्डन में जाकर बहुत सारी वेजिटेबल्स खाती है। और बाहर आकर कैमल से पूछती है कि अब तुम बताओ कि तुम कैसा होना चाहते हो, छोटा या बड़ा? कैमल के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। और इस तरह गोट कैमल को ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता का लेसन सिखाती है और बताती है बड़ा और छोटा दोनों ही होना अपनी अपनी जगह पर सही है। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न दैट वी शुड बी हम्बल इन एवरी सिचुएशन। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।